उधर शहर में बारिश से लोगों का हाल बेहाल है, वहीं दूसरी तरफ इस पर खुलकर राजनीति भी शुरू हो गई है। एनसीपी और उद्धव सेना के नेता मुंबई की दुर्दशा के लिए सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम लोग मिलन सबवे में खड़े हैं। मिलन सबवे में कल लगभग 70 mm बारिश एक घंटे में गिरा है, फिर भी यहाँ की ट्रैफिक जो है बंद नहीं हुई है। यहाँ मिलन सब में का जो पानी है, जो जमा हुआ पानी पंपिंग से इस नाले के जरिए वाटर स्टोरेज टैंक जो बनाई है उसमें वहाँ जाता है, और ये सिस्टम पूरी तरह फुल प्रूफ एक्टिवेट है। फ्लड गेट भी यहाँ पर लगाया है, जब हाई टाइड होगा तो पानी वापस नहीं मारेगा बैक, इसका भी इंतजाम किया है। और इसलिए मैंने देखा है कि ये मिलन सबवे में 70 mm से ज्यादा बारिश गिरने के बावजूद सब यातायात जो है ट्रैफिक है शुरू है, आप भी देख सकते। मानसून की पहली बरसात में मुंबई की हालत क्या हो गई आप देख रहे हैं। जगह जगह पानी भर गया है, जल जमाव हो गया है। पिछले 2 महीने से मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ दल बल के साथ नाले सफाई का जायजा ले रहे थे, गली गली घूम रहे थे। क्या हुआ? समझ में आ रहा है कि नाले सफाई जिस ढंग से होनी चाहिए थी नहीं हुई। बहुत बड़े भ्रष्टाचार की आशंका है। जरा सी बरसात में मुंबई डूब जा रही है। आप कर क्या रहे हैं? और मुख्यमंत्री तो छोड़िए, उप मुख्यमंत्री जी आप कहां हैं? केवल मुंबई में राजनीति करनी है, मुंबई को जीतना है, महानगर पालिका पे आपकी सत्ता आनी है, बस इसके लिए प्रयास करेंगे? मुंबई महानगर पालिका के प्रशासन ने यह दावा किया था कि इस बार मुंबई की नाले सफाई बहुत अच्छी तरीके से हुई और मुंबई के इलाकों में अब पानी, बारिश का पानी नहीं भरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले ही बारिश में मुंबई के बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया। लोगों को राहत दिलाने के लिए जो दावा मुंबई महानगर पालिका के प्रशासन ने किया था वो पूरी तरह से विफल हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मुंबई स्थित नेताओं से कि जब हमारी सरकार थी तब आप रस्ते पे उतरते थे, मुंबई महानगर पालिका के संदर्भ में आपने अनेक प्रश्न उपस्थित किए, लेकिन पहली ही बारिश में आपके मुंबई शहर में आपके अंडर जो मुंबई महानगर का पालिका का प्रशासन है उसके सारे दावे फेल हो चुके हैं। मुंबई और बरसात का जो रिश्ता है वो अंतहीन है, और इसी बीच में मुंबई की पहली बरसात में कई जगहों पर पानी का जलजमाव की स्थिति देखने को मिली, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री सड़कों पर हैं, मंत्री वॉर रूम में हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा जी हमारे साथ हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरी स्थिति को? पहले ही दिन हालांकि ट्रैफिक स्मूथ रहा, लेकिन वाटर लॉगिंग की शिकायतें जरूर लोगों को रही। वाटर लॉगिंग की शिकायत रही ये सच है, पर यह भी सच है कि वाटर तुरंत निकाल दिया गया, क्योंकि इस बार बहुत अच्छी तैयारी की गई थी। महानगर पालिका के अधिकारियों ने, फायर ब्रिगेड ने, पुलिस ने, सरकार ने, सबने पहले से बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी की थी और इसके लिए कहीं पर कोई बड़ी घटना नहीं हुई। पर हाँ, ये पहला दिन था, अभी पूरी बरसात बाकी है, पर मैं मुंबईकरों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस बार हम आपके साथ में पूरी ताकत के साथ के अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं हो इसकी जिम्मेदारी लेकर खड़े। सर, एक ये सवाल है कि लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड पर हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी के पार्टियों द्वारा ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जब वो सत्ता में थे तो आपकी पार्टियां धरना देने लगती थी वाटर लॉगिंग पर इस बार जब वाटर लॉगिंग हुई है तो आप लोगों की जिम्मेदारी आप लोगों ने नहीं निभाई। वाटर लॉगिंग पे धरना देना अलग चीज है, पर वाटर लॉगिंग होने के बाद यदि पानी निकल जाता है तो फिर कौन किसके खिलाफ में धरना देगा? पानी तो बरसता है, ऊपर से आता है, उसको तो नहीं रोका जा सकता। आने के बाद में पानी जमना नहीं चाहिए, वो ध्यान हमने दिया है और ज्यादा ध्यान देंगे बरसात में। लेकिन राजनीति कितनी चाहिए? राजनीति जिनको करनी होती है वो हर चीज में करते हैं, और ये राजनीतिक दलों का कुछ न कुछ न्यूज में रहने के लिए करने का एक तरीका बन गया है जो कि लोगों को पसंद नहीं आता है।